Dear student, in this video lecture, we are going to discuss plant embryology. Plant embryology subject में इस video lecture में हम ये देखेंगे कि plant embryology में हमें क्या पढ़ना है, exactly plant embryology है क्या. तो plant embryology जैसा कि नाम से clear है, study of plant embryo. तो किसी भी embryo को जब भी हम discuss करते हैं तो एम्ब्रियो को बनाने के लिए गैमेट्स की ज़रूरत होती है. तो इसका मतलब हम यहाँ पे गैमेट्स की भी स्टडी करेंगे. उसके बाद गैमेट्स को बनाने के लिए भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, तो वहाँ पे हम फ्लावर की भी स्ट्रक्चर देखेंगे. उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हाउ दीज गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे मैट विद ईच अदर. तो कहने का मतलब है कि फ्लावर जो है वो क्या है, किस तरीके से फ्लावर में ये गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का बनना, फिर गैमेट्स का मिलना, गैमेट्स के मिलने से एम्ब्रियो का बनना, और फाइनली एम्ब्रियो के बनने के बाद न्यू प्लांट का बनना. तो ये सारी जो प्रोसेस हैं ये हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे. अब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो है वो एक ही वीडियो लेक्चर्स में कवर नहीं की जा सकती है. ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक सब्जेक्ट है, बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. यहाँ पे प्रॉपर एक आपको एक फ्लो मिलेगा कि इसके बाद ये इवेंट होगा, इसके बाद ये इवेंट होगा. तो क्लासिफिकेशन जैसे टैक्सोनॉमी में अक्सर हम जैसे ही न्यू ग्रुप पे जाते हैं तो हमारे लिए मोस्टली कैरेक्टर जो हैं वो डिफर हो जाते हैं. यहाँ इस तरीके का आपको इश्यू नहीं है. तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले यही देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है उसको स्टडी करना है हमें. रिप्रोडक्शन जो है किसी भी प्लांट में हम दो तरीके का काउंट करते हैं, राइट. किसी भी रिप्रोडक्शन को जब आप देखोगे तो रिप्रोडक्शन जो है आपको दो तरीके का मिलेगा, ठीक है. और हम सभी ये चीज़ जानते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं नई प्रोजेनी बनाना. अब वो नई प्रोजेनी कैसे बन सकती हैं, या तो एसेक्सुअल तरीके से बन सकती हैं या सेक्सुअल तरीके से बन सकती हैं. तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन दो तरीके का हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एपोमिक्सिस. तो ब्रॉड वे में एपोमिक्सिस, कई बार ये एपोमिक्सिस जो है वर्ड आ जाता है. तो एपोमिक्सिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है. और एम्फीमिक्सिस, जो एम्फीमिक्सिस टर्मिनोलॉजी है ये हम यूज करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस कुछ नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैं. और ये एक वैज्ञानिक हुए हैं एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस विंकलर. तो ये जो दोनों टर्मिनोलॉजी हैं ये विंकलर ने दी हैं, राइट. तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस जो है ये टर्मिनोलॉजी किसने दी, तो आपको ध्यान रखना है विंकलर ने. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है. तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे कोई भी जेंडर इन्वॉल्व नहीं है. जेंडर इन्वॉल्व नहीं है का मतलब कि ना तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व है और ना ही यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व है. इसका मतलब यहाँ पे कोई भी गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, तो नो गैमेट फॉर्मेशन. तो यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं है. और ये सेक्सुअल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो नो गैमेट फॉर्मेशन पहली चीज. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि भाई यहाँ पे किसी भी तरीके का गैमेट्स नहीं बन रहा है. दूसरा सेक्सुअल, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट, राइट. तो यहाँ पे जो है गैमेट्स फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, यहाँ गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट है पहली चीज. दूसरी चीज, कभी भी अगर गैमेट बनते हैं तो यहाँ पे
मियोसिस से बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट बनते हैं वो मियोसिस से बन रहे हैं, तो इसलिए यहां तो मियोसिस प्रेजेंट है, मियोसिस प्रेजेंट, इसका मतलब यहां जो गैमेट्स हैं वो मियोसिस से बन रहे हैं या मियोसिस पाई जा रही है, जबकि यहां पे चूंकि गैमेट्स ही नहीं बन रहे हैं इसीलिए यहां पे मियोसिस प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। ये चीज समझ में आई, ये मियोसिस एब्सेंट है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन मानते हैं। कैसा मानते हैं? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको एडवांस टाइप, ये एडवांस रिप्रोडक्शन है, एडवांस रिप्रोडक्शन टाइप, ठीक है, ये है एडवांस। यहां पे चूंकि मियोसिस एब्सेंट है तो नो वेरिएशन, यहां पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन का मेन रीजन क्या है? मियोसिस, जबकि यहां पे वेरिएशन प्रेजेंट है क्योंकि यहां मियोसिस हो रहा है और जहां मियोसिस होगा वहां पे वेरिएशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कुछ बेसिक डिफरेंस है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है या मियोसिस एब्सेंट है, तो मियोसिस एब्सेंट होने के कारण यहाँ किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस प्रेजेंट है और मियोसिस प्रेजेंट होने के कारण वहाँ पे वेरिएशन आ रहे हैं और इसी वेरिएशन के कारण ये एडवांस रिप्रोडक्शन के टाइप में आता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है। तो ये तो रहा एक बेसिक जनरल डिफरेंस कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें यूजुअली आ रही हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसको अगर आप देखोगे कि ये कितने टाइप का होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो टाइप दिखेंगे, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, पहला है ए गैमोस्पर्म और दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला टाइप क्या है? ए गैमोस्पर्म, ए गैमोस्पर्म, और दूसरा क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये गैमोस्पर्मी जो है यहां पे और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें क्या डिफरेंस है? ये दोनों ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। तो देखिए, ये गैमोस्पर्मी में गैमेट्स यहाँ भी नहीं बनते, नो गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि ये सेक्सुअल है तो गैमेट्स तो दोनों में ही नहीं बनेंगे, यहाँ भी नहीं बनेंगे ये गैमोस्पर्मी में और यहाँ भी नहीं बनेंगे। तो अब बोलोगे सर ये तो क्योंकि ये सेक्सुअल में पढ़ रहे हैं तो ये तो दोनों पे लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है, लेकिन अगला डिफरेंस एक ऐसा है जो दोनों पे लागू नहीं होता। जब भी यहाँ गैमेट्स नहीं बन रहे हैं दोनों जगह पर, लेकिन यहाँ पर बट एम्ब्रियो फॉर्म, लेकिन आश्चर्यजनक बात क्या है कि एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो कैसे बनता है वो एक अलग डिस्कशन है। तो आपको ये याद रखना है कि ये गैमोस्पर्मी, ए मीन्स नॉट, गैमो मीन्स गैमेट्स, स्पर्मी मीन्स कि ये जो है गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ए गैमोस्पर्मी में गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन एंड नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यहाँ पे दोनों ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि भाई यहाँ दोनों ही नहीं बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे गैमेट नहीं बन रहे थे लेकिन एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब चूंकि यहां पे एम्ब्रियो बन रहा है तो यहां पे सीड फॉर्मेशन प्रेजेंट, यहां सीड दिखेगा, सीड फॉर्मेशन आकर
प्रेजेंट, तो यहाँ पे आपको सीड फॉर्मेशन मिलेगा। वेजिटेटिव में थोड़ा सा हिसाब अलग है, उसको हम देखेंगे। देखिए एक एमोस्पर्मी, यहाँ पे मैं डिटेल स्टडी हम बाद में इसको देखेंगे जब मैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट बताऊंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एमोस्पर्मी की जो डिटेल स्टडी है वो मैं बाद में, हम जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं एक एमोस्पर्मी और इस सबको मैं दोबारा डील करूँगा, और वहाँ पे हम ये देखेंगे कि भाई गैमेट्स के बिना एम्ब्रियो कैसे बना। अभी आपको सिर्फ ये नॉर्मली याद रखना है कि ये गैमोस्पर्मी जो है इस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है लेकिन एम्ब्रियो बन रहा है और सीड भी यहाँ बन रहा है। डिटेल स्टडी लेटर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में गैमेट्स और एम्ब्रियो दोनों ही नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये दो तरीके का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। कुछ प्लांट ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरल तरीके से ये पाया जाता है, तो नेचुरल, और दूसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल। नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हमने दो टाइप देखे, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, नेचुरल मतलब कि प्रकृति ने उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल दिया है, आर्टिफिशियल का मतलब कि नेचर ने उसमें वो पोटेंशियल नहीं दिया है, वो आर्टिफिशियली हम प्रॉपर उसको कुछ कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं और आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो नेचुरल में क्या होता है, ये आर्टिफिशियल दोनों को अगर हम देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई एक स्पेसिफिक प्लांट का पार्ट होता है और ये प्लांट का पार्ट आगे डेवलप होकर कंप्लीट प्लांट बनाता है। जैसे कोई प्लांट है, इस प्लांट का कोई एक पार्ट है, इस प्लांट के पार्ट से मैंने स्टेम का थोड़ा सा पार्ट लिया और स्टेम के इस पार्ट से मैंने एक न्यू प्लांट बना दिया, तो ये जो स्टेम का थोड़ा सा पार्ट है जिसने न्यू प्लांट बनाया है, इसमें ये प्लांट का पार्ट था और इस प्लांट के पार्ट ने ये न्यू प्लांट फिर से बना दिया है, राइट। तो इस प्लांट के पार्ट को जो आगे चल के एक न्यू प्लांट बना रहा है, इसको कहते हैं प्रोपेग्यूल। क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने किसी प्लांट की पत्तियाँ जो हैं ज़मीन में गाड़ दी और उन पत्तियों से नया प्लांट निकल के आ गया, तो जो लीफ है वो प्रोपेग्यूल कहलाएगी, कि जो प्लांट का पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है उस पार्ट को हम प्रोपेग्यूल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेचुरल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें नेचुरल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें नेचुरली कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, वो रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई नेचुरल में अगर मैं रूट को देखूं कि भाई रूट अगर किसी प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रही है, तो दो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन प्लांट हैं और वो हैं डहलिया और टीनोस्पोरा। ये ऐसे प्लांट हैं यहाँ पे रूट जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। इन प्लांट में एडवेंटिटियस रूट होती है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ये अपस्थानिक जड़ें जो हैं अगर उनको वहाँ से काट के कहीं और लगा दिया जाए तो वो नया प्लांट बना देती हैं। रूट के बाद अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ प्लांट में स्टेम जो होता है वो भी नेचुरल तरीके से वेजिटेटिव प्रोडक्शन करता है। अब इस स्टेम में आपने कई तरीके के स्टेम पड़े होंगे, जैसे राइजोम, राइट, बनाना है, राइट, राइजोम में बनाना है, अदरक है, हल्दी है, कमल है, लोटस है, ये सब राइजोम के एग्जांपल हैं। तो राइजोम, कॉर्म, राइट, शक्कर, ये कुछ स्टेम के टाइप हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ट्यूबर, आलू, ट्यूबर में जो आलू आता है, और बल्ब, बल्ब में प्याज आती है, ठीक है। तो स्टेम में राइजोम, कॉम, सकर, ट्यूबर, बल्ब, ये डिफरेंट डिफरेंट अंडरग्राउंड स्टेम के टाइप्स हैं। राइजोम में बनाना, अदरक,
हल्दी, कमल आता है कॉर्म में, एलोकेशिया, प्रोकेशिया ये सब आता है, ट्यूबर में पोटैटो आता है, शकर में राइट, मिंट, क्राइसेंथेमस ये सब आते हैं, बल्ब में ओनियन और गार्लिक आता है। तो ये सब स्टेम जो अंडरग्राउंड स्टेम के जो टाइप्स हैं, ये भी नेचुरल तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। उसके बाद कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड नहीं है, जैसे ऑफसेट, सी में स्टेम में ही ऑफसेट, जलकुंभी राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वो है ऑफसेट। ऑफसेट में आइकोनिया और पिस्टिया, ऑफसेट जो टाइप होता है स्टेम का, इसमें आइकोनिया और पिस्टिया आते हैं ठीक है। तो ये भी स्टेम जो है नेचुरल तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। अब लीफ को देखें कि भाई लीफ जो है वो भी कहीं नेचुरल तरीके से रिप्रोडक्शन कर रही है, तो लीफ में कैलेंचॉय, ट्रायोफिल्लम, बिगोनिया ये तीन प्लांट हैं ठीक है। तो लीफ में ये तीन नाम याद रखना है, कैलेंचॉय, बिगोनिया और ब्रायोफिल्लम ठीक है। तो लीफ जो है वो भी कुछ प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करती है, किन प्लांट में करती है, तो कैलेंचॉय के, बिगोनिया बी और ब्रायोफिल, कैलेंचॉय, ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया के बी बी, ये ट्रिक है लीफ की और ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है ठीक है। अब आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि भाई जो है आपको ये देखना है कि यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल में कोई भी प्राकृतिक पार्ट वहाँ पे मौजूद नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए। आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पे हम एक्सटर्नल कुछ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और वो कंडीशन जो है वहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाती है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है यहाँ देखिए। तो आर्टिफिशियल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल तो हमने देख लिया, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ना है, बस हल्का सा आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है ये तीन तरीके का होता है। पहला है कटिंग ठीक है, दूसरा है ग्राफ्टिंग और तीसरा है लेयरिंग। देखिए यहाँ पे ये क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोडक्शन का मतलब होता है कि नेचुरली वहां पे उस तरह की प्रोसेस नहीं हो रही है, उसको मैन के थ्रू हम इंड्यूस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल वहां कंडीशन दी जा रही है। अब देखिए कटिंग, कटिंग का मतलब होता है, नाम से क्लियर है कि प्लांट के पार्ट को, जैसे कोई एक प्लांट है राइट, इस प्लांट के पार्ट को हमने कट किया, कोई भी प्लांट ले लो, जैसे मान लो मैंने लीफ ले ली, लीफ वहाँ पे प्रोपिग्यूल की तरह है, और इसको ऑक्सीजन में डुबोया। ऑक्सीजन में इसलिए डुबोते हैं, ऑक्सीजन जो है वो रूट फॉर्मेशन को बढ़ाता है ताकि जल्दी वहाँ पे रूट बन जाए। तो जैसे ही ऑक्सीजन में हमने डिप किया, डिप करने के बाद उसको नई जगह पर लगा दिया, और धीरे धीरे कुछ समय में वहाँ पर एक नया प्लांट आ जाएगा, न्यू प्लांट। तो हमने कटिंग मतलब हमने प्लांट पार्ट को कट किया, ऑक्सीजन में डुबोया और नई जगह लगाया और उससे नया प्लांट पाया, तो ये होता है कटिंग। जैसे गुलाब, ग्रेप्स, शुगर केन ये कटिंग को फॉलो करती है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो जो रोज है, रोज की डंडी को आप ऑक्सीजन में डुबो के लगा दो, नई जगह प्लांट बन जाएगा। ग्रेप्स में भी सेम इसी तरीके की सिचुएशंस होती है। ग्रेप्स के अलावा शुगर केन, गन्ना, इसमें भी अगर आप उसके स्टेम पार्ट को काट के और उसमें ऑक्सीजन में डुबो के और डिप करके अगर आप उसको लगा देते हो तो नई जगह पे वो न्यू प्लांट फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया आपका कटिंग, सिंपल है, कटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्राफ्टिंग, तो जो ग्राफ्टिंग है ये मोस्ट कॉमन है, इसमें सबसे ज़्यादा यही यूज की जाती है। तो ग्राफ्टिंग में करते क्या है, ग्राफ्ट, ग्राफ्ट करते हैं। ग्राफ्ट क्या कहते हैं,
आपके पास दो प्लांट है सपोज करो, राइट। जैसे ये है प्लांट वन और ये है प्लांट टू। तो प्लांट वन और प्लांट टू, प्लांट वन जो है इसमें कोई एक प्रॉपर्टी है जो बहुत अच्छी है। जैसे प्लांट वन के जो फल हैं वो बड़े रसदार होते हैं, जूसी फ्रूट्स हैं, राइट। फ्रूट्स कैसे हैं इसके, जूसी हैं, बहुत ज़्यादा जूस है उनमें, अच्छी बात है। लेकिन साइज कैसा है, स्मॉल है, इसीलिए प्रोडक्शन जो है वो हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा है। यहाँ पे लेस जूसी, यहाँ पे जूस तो कम है, लेस जूसी, बट साइज कैसा है उनका, लार्ज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मिक्स कर दूँ और मैं एक ऐसी वैरायटी बनाऊँ कि जूसी प्लस लार्ज, ये प्रॉपर्टी उस प्लांट में आ जाए, तो मेरे लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा होगा। तो मैं ग्राफ्टिंग तरीके का यूज करूँगा। ग्राफ्टिंग में मैं क्या करूँगा कि एक प्लांट, दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट लूँगा दोनों प्लांट का, उनको मैं मिक्स कर दूँगा। मिक्स कैसे करूँगा कि जैसे इस प्लांट का मैंने रूट पार्ट लिया, तो ऊपर वाले प्लांट का जब मैंने रूट पार्ट लिया तो मैंने उस प्लांट को, स्टेम को यूँ वी शेप में यूँ काट दिया कि नीचे जड़ें हैं, और ऊपर वाले प्लांट का मैंने स्टेम लिया और उसको मैंने यूँ इस तरीके से काट दिया और ये ऊपर वाला प्लांट है। और अब मैंने इन दोनों प्लांट को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद ये कैसा बनेगा, ये यूँ बन जाएगा, दोनों स्टेम को एक दूसरे को वो कर दिया, नीचे इसकी जड़ें और ऊपर ये प्लांट है, और यहाँ पर मैं इसको ले चारों तरफ से कवर कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो फाइनल ग्राफ्ट बना, इसको कहते हैं ग्राफ्ट। तो इस ग्राफ्ट में दो पार्ट हैं, एक तो अपर पार्ट जो इस प्लांट का लिया है, पी टू का अपर पार्ट है, पी टू का, और लोअर पार्ट है पी वन का। तो अपर पार्ट को कहते हैं हम स्टॉक, क्या कहेंगे, स्टॉक, और लोअर पार्ट को क्या कहेंगे, सायोन, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो ग्राफ्टिंग मतलब दो ग्राफ्ट बना रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को हम मिक्स कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि भाई दो प्लांट हैं, इस प्लांट का सपोज करो मैंने लोअर पार्ट ले लिया तो नीचे वी शेप में मैंने स्टेम को कट कर दिया, और इसको दूसरे प्लांट का जिसको मैं अपर ले रहा हूँ उसका लीफी पार्ट है, इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया और दोनों को मिक्स कर दिया और वहाँ से बांध दिया और वहाँ पर ऑक्सीजन के कुछ छिड़काव कर दिया ताकि वहाँ पर जल्दी सेल डिविजन हो। ऊपर वाला जो प्लांट होता है ग्राफ्ट में वो स्टॉक कहलाता है, नीचे वाला प्लांट कहलाता है सायोन। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग, अब ग्राफ्टिंग में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, उतना ज़्यादा हमें डिटेल नहीं जाना है। तीसरा है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं हम, प्लांट जैसे ये प्लांट है, ये इसकी शाखा है, राइट। तो हम इसकी शाखा पे ही रूट इंड्यूस कर रहे हैं, जड़ इसकी, जब ये शाखा प्लांट पे लगी हुई थी और ज़मीन से ये थोड़ी सी ऊंचाई पे थी, राइट। तो हमने यहाँ पे कुछ मिट्टी गोबर का एक मिक्सचर बनाया, यहाँ बांध दिया और उस पर पानी का छिड़काव करते रहे, तो उससे क्या होता है यहाँ पे जड़ें इंड्यूस हो जाती हैं, और जैसे ही यहाँ जड़ें बनेंगी इसको हम यहाँ से काट के और नई जगह पर लगा देंगे, वो नया प्लांट बन जाएगा। इस तरीके की प्रोसेस को कहते हैं लेयरिंग, कि जब शाखा कोई भी ब्रांच प्लांट पर लगी हुई है और उसी टाइम उसमें हम जड़ बना रहे हैं, रूट फॉर्मेशन इंड्यूस कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं लेयरिंग। अब ये लेयरिंग जो है अगर हवा में कर रहे हैं, उसका ज़मीन से बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं है तो एयर लेयरिंग, और अगर हम ग्राउंड से थोड़ा सा टच कर रहे हैं उसको तो ग्राउंड लेयरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ग्राफ्टिंग में एक चीज़ और याद रखनी है कि हर प्लांट की ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। ग्राफ्टिंग उन्हीं प्लांट में पॉसिबल है जहाँ पे वैस्क्यूलर टिश्यू मौजूद हो, वैस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट हो, और वैस्क्यूलर बंडल जो है वो लोअर प्लांट्स में नहीं पाए जाते, वो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, इसलिए ग्राफ्टिंग जो है वो लोअर प्लांट्स की नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ कि भाई प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में अभी तक हमने ये देखा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं, फिर उसमें थोड़ा सा हमने ब्रीफ में देखा
बहुत ज़्यादा यहाँ से कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं आती, जनरल एक वे में आपको इन चीज़ों को इस तरीके से याद रखना है। अब हमारे सब्जेक्ट का शिफ्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, क्योंकि हम अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में मेनली जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में, क्योंकि हम स्पेसिफिकली प्लांट के रेफरेंस में ही इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो है, इसके अगर इंटरनेशनल फादर देखें कि फादर ऑफ इंटरनेशनल प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो इंटरनेशनल जो फादर हैं वो हैं सी एफ वॉल्फ, ये आपको याद रखना है, सी एफ वॉल्फ। और अगर नेशनल इंडियन देखें कि भाई इंडियन फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो नेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसके फादर हैं पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, ये बहुत बड़े एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं इंडिया के, राइट, पंचानन माहेश्वरी, ये जयपुर से बिलोंग करते थे, और इन्होंने बहुत सारी कुछ प्लांट वैरायटीज और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से जुड़ी हुई प्रोसेस के बारे में बताया, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और इंटरनेशनल प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं सी एफ वॉल्फ। तो किसी भी प्लांट में तीन पार्ट होते हैं, देखिए, रूट जो पानी मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेम जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और लीफ जो प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई जो फ्लावर है वो क्या है, वो रूट का मॉडिफाइड वर्जन है या स्टेम से बना है या लीफ से बना है। तो वैज्ञानिक जो है डिफरेंट डिफरेंट अपनी थ्योरियाँ दी गई, और फाइनली जो है ये निकल के आया कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। इसका मतलब कि जो फ्लावर है वो किससे बना है, वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम, जो फ्लावर है वो क्या है, वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम। तो रूट, स्टेम और लीफ, ये तीन पार्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैसे ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड स्टेम है, रूट और लीफ नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है। एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था गोथी। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से, तो गोथे ने ये बताया कि भाई ये जो हम कंक्लूजन दे रहे हैं फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ये सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो फ्लावर है, एक वैज्ञानिक हुए गोथे, गोथे टोल, अब उन्होंने क्या बताया, पहली चीज तो ये कि फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम, पहली चीज तो ये कि भाई जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है, और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उस फ्लावर पे जो लगे हुए चीजें हैं मॉडिफाइड लीफ है, वो क्या है, मॉडिफाइड लीफ। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे कोई भी फ्लावर होता है तो किसी भी फ्लावर में, जैसे ये एक डंडी सी रहती है जिसमें फ्लावर लगा हुआ है, और इसका टर्मिनल पार्ट इस तरीके से फूला हुआ होता है। ये जो टर्मिनल पार्ट्स होता है इसको कहते हैं थैलेमस, और जिस पे ये फ्लावर की जो डंडी है जिसको आप पकड़ते हो इसको बोलते हैं पेडिसेल, बोलेंगे पेडिसेल। ठीक है, अब यहां पे जो थैलेमस है, ये थैलेमस क्या करेगा, इस थैलेमस को कभी भी आप थोड़ा सा गौर से देखोगे
तो यहां पे आपको एक चीज दिखेगी, इस थैलेमस को थोड़ा सा जूम करना, और जूम करने के बाद आप इसको देखना, यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे ये अगर इस तरीके से थैलेमस है, तो इस थैलेमस पे छोटे छोटे आपको इस तरीके से उभार दिखेंगे, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि जो थैलेमस है वो मॉडिफाइड स्टेम है, और स्टेम पे नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ये पार्ट होते हैं नोड, और ये पार्ट क्या होगा, इंटरनोड। और इस पे जो चाहे वो सेप ब्राह्य दलपुंज है, चाहे दलपुंज है, सेपल है, पेटल है, राइट, स्टेमंस हैं, या फिर फीमेल पार्ट है, वो सब नोड पे लगे होते हैं। तो जो भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, है वो कैलेक्स, कॉरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, वो किस पे डेवलप हो रहे हैं, नोड पे डेवलप हो रहे हैं। तो कभी भी देख लेना, वो इससे लगे होते हैं, इंटरनोड से लगे नहीं होते। तो वो क्लियर आपको इसलिए नहीं दिखते थैलेमस पे ये नोड, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक होते हैं, राइट। तो इंटरनोड वहाँ बहुत कम होता है, और नोड एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए वो आपको क्लियर नहीं दिखते। लेकिन अगर आप गौर करके देखोगे तो वो आपको इस तरीके से दिखेंगे। तो ये थैलेमस की इस तरीके से वहाँ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो फ्लोरल पार्ट के बाद जो है थैलेमस हो गया, थैलेमस के नीचे जो डंडी सी होती है उसको पेडिसिल कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ये फ्लावर, ये मान लो ये फ्लावर है, तो फ्लावर जिस डंडी पे लगा हुआ है ये तो हो गया पेडिसिल, और ये पेडिसिल भी कई बार एक डंडी से चिपकी रहती है इस पे, जैसे बहुत सारे फ्लावर हैं इस तरीके से, आपने इस तरीके से भी देखा होगा। तो ये तो पेडिसिल हो गया, ये सब फ्लावर हैं। तो ये जो डंडी है जिस पर पेडिसिल लगी हुई है, इसको कहते हैं पैडंकल, क्या बोलेंगे, पैडंकल। तो ये तो हो गया फ्लावर, तो ये तो फ्लावर हो गया, ये तीन मान लो फ्लावर है तरीके से ये लगे हुए हैं। तो ये हो गया पेडिसिल, ये हो गया पैडंकल। कई बार आपको पेडिसिल के बेसमेंट में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कई बार आपको ये यहाँ मिल जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर कई बार लगी रहती है। अगर यहाँ पे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेडिसिल के बेसमेंट में लगी हुई है, तो उसको कहते हैं ब्रैक्ट, क्या कहते हैं, ब्रैक्ट। और ये जो ब्रैक्ट है, तो ये मान लो ब्रैक्ट जो है, ये ब्रैक्ट हो गई, और इस ब्रैक्ट और पेडंकल के बीच का ये जो एंगल है, इसको कहते हैं एक्जिलरी पोजीशन, क्या बोलेंगे, एक्जिलरी पोजीशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्लावर के आसपास जो चीज़ें पाई जा रही हैं उसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तो गोथ एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि वही फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है, और जितने भी उस पर लगे हुए हैं, चाहे वो कैलेक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोशियम हो, गाइनोशियम हो, ये सब फ्लोरल पार्ट हैं, और फ्लोरल पार्ट जो है एक मॉडिफाइड लीफ माने जाते हैं। तो कई बार कंपटीशन में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, फ्लोरल पार्ट क्या है, वो मॉडिफाइड लीफ है। तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर वो मॉडिफाइड लीफ है तो इसका प्रूफ क्या है। तो देखिए, पहला प्रूफ तो ये थैलेमस पे नोड और इंटरनोड की प्रेजेंस है। दूसरा, एक प्लांट है, गोथे ने जो है ये बताया कि वो एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है मोसेंडा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, मोसेंडा प्लांट है एक, ठीक है। तो इस मोसेंडा प्लांट में क्या होता है, ठीक है, मोसेंडा में ये देखा गया कि अगर वहां पे आप सेपल और पेटल को देखो, ठीक है, तो मोसेंडा में पांच सेपल होते हैं टोटल, यहाँ पे कितने प्लांट सेपल हैं, फाइव, फाइव सेपल। इस पांच सेपल में से, सेपल मतलब कैलेक्स, ब्राह्य दलपुंज,
जो बाहर की तरफ हरे हरे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको कैलिक्स, और एक कैलिक्स को सेपल कहते हैं। पांच सेपल पाए जाते हैं जिसमें से चार जो सेपल हैं वो तो नॉर्मल पाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल हरे रंग के होते हैं, और जिस तरीके के बाह्य दर्पुंज पाए जाते हैं किसी भी फ्लावर में वैसे ही होते हैं हरे रंग के। लेकिन जो एक है वो बिल्कुल लीफ लाइक हो गया है, मतलब जिस तरीके की लीफ मुसेंडा में नॉर्मली पाई जाती हैं उसी के जैसा सेपल जो है वो हो गया है वहाँ पे, और बिल्कुल पत्ती जैसा दिखाई देता है। तो गौथे ने कहा कि भाई यहाँ पे जो सेपल है वो लीफ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो चीज़ें बनी हैं ये लीफ के ही कन्वर्जन से बनी हैं, राइट। तो जो चीज़ आज लीफ के रूप में दिख रही है हो सकता है सारे प्लांट में वो लीफ से ही बनी हो। यहाँ पे वो एक अपना एविडेंस दे रही है, यहाँ पे वो चार सेपल, चार जो लीफें थी मान लो वहाँ पांच लीफ थी, पांच तो सेपल में कन्वर्ट हो गई, एक लीफ सेपल में कन्वर्ट वहाँ नहीं हो पाई, वो अभी भी लीफ जैसी दिखाई दे रही है। तो मुसेंडा प्लांट ने ये थोड़ा सा एक एविडेंस दिया कि जो फ्लोरल पार्ट है वो मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है। इसके बाद कुछ यहाँ पे फ्लावर को अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी भी आती है, और वो टर्मिनोलॉजी क्या है ये थोड़ा सा आप देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ जैसे टर्मिनोलॉजी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखनी है। पहली टर्मिनोलॉजी है एंथोफोर। क्या है एंथोफोर? एंथोफोर कहते हैं कि इंटरनोड आउटग्रोथ, इंटरनोड आउटग्रोथ बिटवीन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। तो कहने का मतलब है कि अगर कैलिक्स एंड कोरोला के बीच में कोई इंटरनोड आउटग्रोथ पाई जाती है तो उसको एंथोफोर कहते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है साइक्लिन, एक प्लांट होता है वो। अब देखिए इसका क्या मतलब है एंथोफोर का। मैंने बोला कि जो थैलेमस है वो इस तरीके से नोड और इंटरनोड वहाँ पाए जाते हैं, और इसी पे ये फ्लोरल पार्ट्स लगे होते हैं, नोड से निकले होते हैं। सपोज करो यहाँ पे ये कैलिक्स है, इस इंटरनोड से ये कैलिक्स निकला और इस इंटरनोड से क्या निकला, कोरोला। इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो है एरिया ये इंटरनोड का था, और मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके की कोई आउटग्रोथ डेवलप हो गई, ये कैलिक्स और कोरोला के बीच में ये जो मौजूद इंटरनोड था इसने ये आउटग्रोथ डेवलप की। ये जो आउटग्रोथ है यहाँ पे जो ये डेवलप हो रही है इसी को हम कहते हैं एंथोफोर। क्या कहेंगे? एंथोफोर। तो कैलिक्स और कोरोला के बीच में अगर कोई आउटग्रोथ इंटरनोड की डेवलप हो रही है तो वो एंथोफोर। अगर कोरोला, और यहाँ पे कोरोला के बाद क्या आएगा, एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा, ये है एंड्रोशियम। और अगर कोरोला और एंड्रोशियम के बीच अगर कोई आउटग्रोथ बन जाती है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एंड्रोफोर। जैसे यहाँ पे कोई इंटरनोड आउटग्रोथ बन गई ये इस तरीके से, तो ये किसके बीच बनी, कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में, तो इसको क्या नाम देंगे हम, इसको एंथोफोर नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे एंड्रोफोर। पोजिशन के बेस पर यह नाम चेंज हो रहा है एंड्रोफोर। तो एंथोफोर तो है इंटरनोड आउटग्रोथ बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, यहाँ पे ये यह देखा रेड कलर से जो मैंने दिखाया है। जबकि अगर यही आउटग्रोथ कोरोला और एंड्रोशियम के बीच बन जाए तो इसको क्या कहेंगे, एंड्रोफोर कहेंगे। तो कोरोला प्लस एंड्रोशियम, कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में अगर कोई आउटग्रोथ बनती है तो उसको कहेंगे हम एंड्रोफोर। यहां तक समझ में आ गया है? एंड्रोफोर का अगर एग्जाम्पल देखें तो एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है पैसी फ्लोरा। क्या नाम है इस प्लांट का?
पैसी फ्लोरा और इस प्लांट में एंट्रोफोर देखे गए हैं। अब जो है, अगर कोई भी इंटरनोड आउटग्रोथ एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच आ जाए, जैसे ये थैलेमस है फ्लावर में एंड्रोशियम, और जैसे यहाँ पे मान लो कोई एंड्रोशियम है, ये मैं सांकेतिक रूप से दिखा रहा हूँ, ये एंड्रोशियम हो गया, और एंड्रोशियम के बाद यूजुअली फ्लावर में क्या बनता है, गाइनोशियम, ये मान लो गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है अलग अलग नोड से बने, और इनके बीच में ये जो इंटरनोड है, ये इंटरनोड अगर एक आउटग्रोथ के रूप में इस तरीके से ग्रोथ कर गया, राइट, यहाँ पे कोई आउटग्रोथ हो गई, दोनों के बीच में कोई आउटग्रोथ डेवलप हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, तब इसका नाम होगा गाइनोफोर। क्या कहेंगे, गाइनोफोर। तो इंटरनोड आउटग्रोथ बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दोनों के बीच में अगर कोई बैरियर बनता है तो उसको कहेंगे गाइनोफोर। इस चीज़ का जो एग्जांपल अगर हम देखें तो कैपेरिस, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कैपेरिस। फिर अगर किसी प्लांट में एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों मौजूद हैं तो उसको कहेंगे गाइनेंड्रोफोर। एक देखिए, तीन टर्मिनोलॉजी तुमने यहाँ पढ़ ली, अब चौथा है गाइनेंड्रोफोर। क्या है, गाइनेंड्रोफोर। गाइनेंड्रोफोर जो है वो है एंड्रोफोर, एंड्रोफोर और गाइनोफोर। एंड्रोफोर और गाइनोफोर अगर किसी प्लांट में पाए जाते हैं तो उसको फिर कंबाइंडली हम कहते हैं गाइनेंड्रोफोर। और गाइनेंड्रोफोर जो है एक प्लांट है, उसका नाम है गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला। क्या नाम है, गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला, ठीक है। तो गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला जो प्लांट है वहां पर इस तरीके की दोनों चीजें पाई जाती हैं, एंड्रोफोर भी पाए जाते हैं, गाइनोफोर भी पाए जाते हैं, इसीलिए वहां पर एक नई टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको कहते हैं गाइनेंड्रोफोर, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है, और वो टर्मिनोलॉजी है कार्पोफोर। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जो थैलेमस है, जैसे ये ओवरी, जैसे ये स्टिग्मा है, ये ओवरी है, किसी भी फ्लावर का जो निचला फ्लावर पार्ट होता है ये ओवरी है, और इसके नीचे की तरफ जो पार्ट है वो थैलेमस होता है। यूजुअली ये इस तरीके से बने होते हैं, लेकिन कभी कभी ये थैलेमस क्या करता है, ये आउटग्रोथ दिखा देता है बाहर की तरफ, बहुत ज़्यादा ये बन गया, पूरा कवर कर लिया और बाहर की तरफ ये आउटग्रोथ दिखा दिया थैलेमस ने। तो इस तरह की स्ट्रक्चर अगर बन गई तो इसको कहते हैं कार्पोफोर, और ये कंडीशन पाई जाती है अम्बली फेरी जीरा फैमिली। अम्बली फेरी फैमिली, तो कार्पोफोर कहते हैं आउटग्रोथ, थैलेमस आउटग्रोथ, थैलेमस आउटग्रोथ। अराउंड द ओवरी, ओवरी के चारों तरफ जब थैलेमस बहुत ज्यादा आउटग्रोथ कर लेता है, बाहर की तरफ लटक जाता है, और इस तरह की कंडीशन को कार्पोफोर कहते हैं। ये कंडीशन जो है ये पाई जाती है अम्बली फेरी फैमिली में। इस तरीके से देखो, इसने पूरा बाहर की तरफ आउटग्रोथ कर लिया। तो कहने का मतलब है कि भाई ये कुछ टर्मिनोलॉजिकल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कार्पोफोर, गाइनेंड्रोफोर और ये सब, ये टर्मिनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है। इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, हमने
यही देखा है कि भाई प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का एक बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, रिप्रोडक्शन का क्या कितने टाइप्स हैं, उसके बाद हमने थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजिकल चीज़ें देखी जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में हमारे सामने आएंगी आगे, जैसे एंथ्रोपोर, गैनेंड्रोपोर, राइट, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है किसी भी फ्लावर को, जैसे हमने थोड़ा सा फ्लावर की कुछ टेक्निकल पार्टें हमने देखी कि भाई कोई भी फ्लावर जो होता है उसमें फ्लोरल पार्ट्स और ये सब चीज़ें, मॉडिफाइड लीफ हैं, फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है। तो देखिए फ्लावर में क्या होता है, ये जो पार्ट है ये है थैलेमस पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है ये है थैलेमस पार्ट, राइट, ये पूरा जो फूला हुआ है, इस थैलेमस पार्ट से इस यहाँ पे कोई नोड रहा होगा, इस नोड से ही ये सेपल निकले हैं। सेपल के अंदर पेटल होते हैं, हरे सेपल जो होते हैं यूजुअली ज़्यादातर प्लांट्स में हरे रंग के होते हैं, और इनको कंबाइंड तरीके से कैलिक्स बोलते हैं और पेटल को कंबाइंड तरीके से कोरोला बोलते हैं। जो कैलिक्स है उसमें सिंगल कैलिक्स को सेपल बोलते हैं और ये हरे होते हैं, इनका काम यूजुअली थोड़ा बहुत ही फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और ये प्रोटेक्टिव रोल होता है, ये बचा के रखते हैं बाहर से। इनके बाहर कभी कभी सेपल जैसी कुछ चीज़ें और पाई जाती हैं जिनको या तो एपिकैलिक्स बोलते हैं या फिर हम ब्रैक्टियोल्स, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। अंदर की तरफ जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको पेटल बोलते हैं, ये पेटल यूजुअली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। अगर किसी फ्लावर में पेटल अट्रैक्टिव है तो आप वहाँ ये मान लीजिए कि वहाँ पर पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पेटल अट्रैक्टिव अगर हैं तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में ही पाए जाते हैं। अदरवाइज जहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल एयर या अदर तरीके से हो रहा है, वहाँ पेटल अट्रैक्टिव यूजुअली नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं, और जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम की एक सिंगल यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन में तीन पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट, राइट, एंथर, फिलामेंट, ये सॉरी किसी भी स्टेमन्स में दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो जैसे यहाँ पे हम, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें ये जो पार्ट है ये एंथर हो गया, और ये जिससे अटैच है इसको हम कह रहे हैं, ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट हो गया। एंथर जो है इसमें पालियां होती हैं जिनको एंथर लोब कहते हैं, और यूजुअली एक एंथर के अंदर दो पालियां होती हैं, बाइलोब्ड, आगे पढ़ेंगे इसको। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम गाइनोशियम कहते हैं, और गाइनोशियम में सिंगल एक जो यूनिट होती है उसको हम कार्पल कहते हैं, ठीक है, और किसी भी कार्पल में तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। इसे यहाँ पे इस फ्लावर को अगर हम देखें तो ये स्टिग्मा हो गया भाई, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएंगे और वो यहाँ पे गिरते हैं, तो स्टिग्मा का काम होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। बीच में ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो ट्यूबुलर है इसको कहते हैं स्टाइल, और नीचे का जो फूला हुआ पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी, ठीक है, और ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो ओवरी के अंदर क्या पाए जाएंगे, ओवरी के अंदर पाए जाएंगे ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल ही आगे चल के क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं, और ओवरी क्या बनाती है आगे चल के, फ्रूट बनाती है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी फ्लावर के इस तरीके से पार्ट होते हैं। ये पेडंकल यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यूजुअली फ्लावर जिस ब्रांच पे लगे होते हैं उसको पेडिसिल कहते हैं, क्या कहेंगे, पेडिसिल, और पेडिसिल भी कई बार जिस ब्रांच पे लगी होती है उसको हम फिर क्या कहते हैं, पेडंकल कहते हैं। तो इस तरीके से है। तो जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया फ्लावर का,
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे कि एंथर किस तरीके से डेवलप होते हैं, एंथर लोब क्या है, किस तरीके से एंथर लोब की स्ट्रक्चर है और किस तरीके से पॉलन ग्रेन जो है वो बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगली मुलाकात हमारी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लेक्चर 2 में होगी। थैंक यू।